हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका खास बात चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं आगरा जिले की, जो कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस जिले का बॉर्डर उत्तर में एटा जिला, उत्तर पूर्व में फिरोजाबाद जिला, पूर्व में इटावा जिला, दक्षिण में मध्य प्रदेश के मुरैना और भिंड जिला तथा राजस्थान के धौलपुर और भरतपुर जिला और पश्चिम में मथुरा जिला है। अगर आप इसी तरह अन्य जिलों की वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अन्य जिलों की वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगरा यूपी का एक जिला है और इसका मुख्यालय आगरा में ही स्थित है। यह एक ऐतिहासिक नगर है, जिसके प्रमाण यह अपने चारों ओर समेटे हुए है। वैसे तो आगरा का इतिहास मुख्य रूप से मुगल काल से जाना जाता है, लेकिन इसका संबंध महर्षि अनगिरा से है, जो 1000 वर्ष ईसा पूर्व हुए थे। इतिहास में पहला जिक्र आगरा का महाभारत के समय से माना जाता है, जब इसे अग्रवान या अग्रवन के नाम से संबोधित किया जाता था। टॉलमी पहला ज्ञात व्यक्ति था जिसने इसे आगरा नाम से संबोधित किया। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1509 में बसाया था। यह मुगल साम्राज्य की चहेती जगह थी। आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। आज भी आगरा मुगल कालीन इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सिकरी आदि की वजह से एक विख्यात पर्यटन स्थल है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। इस जिले का क्षेत्रफल 4041 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 44,18,000 के आसपास है। यहाँ का लिंगानुपात 868 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है तथा साक्षरता दर लगभग 71.58% है। इस जिले में 6 अनुमंडल, 15 ब्लॉक, 40 पुलिस थाने और 906 गांव हैं, जिनमें 2 लोकसभा और 9 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर कई उद्योग हैं। यूपी की पहली प्लांट बायोटेक कंपनी हरिहर बायोटेक ताज के पास स्थित है। यह शहर अपने चमड़े के सामानों के लिए भी जाना जाता है। सबसे पुराना और प्रसिद्ध चमड़ा फर्म ताज लेदर वर्ल्ड सदर बाजार में है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो यह मुगल युग के आगमन के दौरान था कि आगरा इस्लामिक शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुआ। वर्ष 1823 में आगरा कॉलेज भारत के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक, सिंधिया शासकों द्वारा स्थापित एक संस्कृत विद्यालय के रूप में बनाया गया था। यहाँ के प्रमुख शिक्षण संस्थान आगरा कॉलेज, बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय, आरबी डिग्री कॉलेज, सेंट जॉन डिग्री कॉलेज आदि है। यहाँ की परिवहन व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। आगरा NH2 और नए यमुना एक्सप्रेसवे द्वारा दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, जयपुर, ग्वालियर और झांसी जैसे शहरों के लिए आगरा से नियमित ट्रेनें हैं। यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा खेरिया हवाई अड्डा है, जो एक सैन्य आधार है। आगरा शहर से 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, अकबर का मकबरा, स्वामी बाग, जामा मस्जिद, आगरा किला आदि है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।